हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीबी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था पोषण की कौन कौन अवस्थाएं होती हैं और मनुष्य के आहार नाल में भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण की अवस्थाएं किस तरह से पूरी होती हैं, यानी मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, इसे हमने आपको कल पढ़ाया था। अब आज बच्चों दूसरे जंतुओं के बारे में बताएंगे कि उन जंतुओं में मनुष्य से थोड़ा भिन्न पोषण की प्रक्रिया होती है। आपने घास खाने वाले या घास चरने वाले जंतुओं को देखा होगा, चाहे वह बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है। इन जंतुओं को आप बच्चों देखते हैं कि वो घास चरते हैं और घास को निगलते जाते हैं, चबाते नहीं हैं, वो घास को अपने मुंह से काटते हुए और वो निगलते जाते हैं। और जब ये निगलते जाते हैं जल्दी जल्दी, तो अपने आमाशय के अंदर अपने इस घास को भंडारित करते जाते हैं। और इनको आप एक चीज और देखे होंगे कि जब ये घास चर लेंगे या अपना भोजन कर लेंगे तो बैठ जाते हैं आराम से, और बैठ करके अपने मुंह को चलाते रहते हैं। यानी जैसे लगता है कि अपने पेट में से उस भोजन को पुनः मुंह में ले आ रहे हैं और उसको चबाते हैं और फिर पीछे ले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जुगाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जुगाली। तमाम बच्चों ने देखा होगा कि ये गाय को, भैंस को जो है, और बकरी है, घोड़ा है, हिरन है, तो ये सभी घास चरने के बाद क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो ये जुगाली करके भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, ऐसे जंतु जो घास को निगलते हैं जल्दी जल्दी, उनको हम कहते हैं रूमिनेंट या रोमांथी जंतु इनको कहा जाता है। जुगाली करने वाला जंतु कहा जाता है। तो ये जंतु जब घास को चरते हैं तो जल्दी जल्दी अपने आमाशय में इकट्ठा करते जाते हैं, और आमाशय का वह भाग जिसमें इनकी घास या भोजन इकट्ठा होता रहता है उसको रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। और जब आंशिक पाचन होता है तो मैंने अभी बताया कि ये जंतु खड़े या बैठते हैं, तो फिर क्या करते हैं? उस आंशिक पचे हुए भोजन को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में ले आते हैं और मुख को अपने चलाते हैं, यानी उसको खूब चबाते रहते हैं। और तब फिर चलाते हुए इन जंतुओं को, आपने देखा होगा कि ये चबा रहे हैं, आप कह रहे हैं जुगाली करते हैं, तो इसके द्वारा यानी वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं और इस तरह से फिर उस भोजन को पीछे यानी आमाशय में पुनः ले जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर है कि जो भी जुगाली करने वाले जंतु हैं, इनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक संरचना पाई जाती है, लंबी नली होती है, उसको अंधनाल या सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल या सीकम कहते हैं। अब जो ये घास चरने वाले जंतु होते हैं, उस घास में मुख्य जो भोजन पदार्थ है वह है सेलुलोज,
यानी घास में या पेड़ पौधों में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है और सेलुलोज को पचाने के लिए इनके पास एक विशेष लंबी संरचना वाली वाला अंग पाया जाता है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। यह अंधनाल या सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच की संरचना कही जाती है और इसी में सेलुलोज का पाचन होता है और यह संरचना मनुष्य में नहीं पाई जाती है। यह संरचना केवल इन जंतुओं में पाई जाती है जो घास चरते हैं, जो जुगाली करते हैं। तो इस तरह से जो घास चरने वाले जंतुओं के भोजन का पाचन होता है। तो आपने सुना कि पहले वो घास को आमाशय के अंदर ले आते हैं, आमाशय के पास एक भाग होता है रोमेन और उसी में उसका आंशिक पाचन हो जाता है और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ले आ करके अपने मुख में ले आते हैं और फिर इसे चबाते हैं और इसको जुगाली कहा जाता है और ये चबाया हुआ फिर पीछे वह छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो संरचना है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं वहां पर भोजन जाता है और वहां पर उसका पूरी तरह से पाचन हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से ये घास चरने वाले जंतुओं के शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। अब आइए जो एक कोशिकी, अभी तो ये बड़े जंतु थे इनके पास आहार नाल पाई जा रही है जिसमें आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत या अंधनाल सीकम आदि पाया जाता है। लेकिन बच्चों जो एक कोशिकी जंतु होते हैं जिनके शरीर की संरचना केवल एक ही कोशिका की होती है तो उनके शरीर में इस तरह की भोजन नली या आहार नाल नहीं पाई जाती है। तो जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। इनके पास भोजन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। अब आइए पहले हम चलते हैं अमीबा के ऊपर। अमीबा जो है बच्चों ये तालाब के जल में, नदी तालाब के जल में पाया जाने वाला जंतु होता है। यह एक कोशिकीय जंतु होता है, एक ही कोशिका का बना होता है। इसके शरीर की सतह पर अंगुलियों जैसे जो है उभार बने हुए होते हैं और इन उभारों को हम कूटपाद या पादाब कहते हैं और शरीर की सतह पर ये पादाब बनते और बिगड़ते रहते हैं। इन्हीं पादाबों की सहायता से अमीबा गति करता है तथा इन्हीं पादाबों की सहायता से अमीबा अपने भोजन को पकड़ कर शरीर के अंदर डालता है। इसको हम कहते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाभों के द्वारा होता है। जैसा कि आप ये इस चित्र में बच्चों देखेंगे कि अमीबा का जो चित्र है वह किस तरह का होता है। तो मैंने बताया था भी आपको कि अमीबा जो होता है अनियमित आकार का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये देखिए दिखाई दे रहा है अमीबा, ये जो उभाड़ बने हैं शरीर के ऊपर इसको पादाब कहते हैं, ठीक है। और बच्चों और ये हमने देखी वहां पर लिखा है भोजन, यानी पादाबों के पास शरीर की सतह के पास
उनका भोजन है कोई भी चीज, छोटी कीटाणु जो है आदि, तो ये भोजन का कण है। जैसे ही इनकी शरीर की सतह के पास आता है, ये क्या करते हैं, अपने दोनों ओर के पादावों को और बड़ा कर देते हैं और उस भोजन के कण को घेर लेते हैं चारों ओर। दिखाई दे रहा है, दोनों पादावों के बीच में आ गया। और तीसरे चित्र में देखिए, बिल्कुल घेर लिए हैं उस कीट को और फिर वह उनके शरीर के अंदर आ गया और फिर वहां पर खाद्य रिक्तिका होती है। उस खाद्य रिक्तिका में इनका ये भोजन जाता है और वहां पर पाचक रस द्वारा पचा लिया जाता है और फिर जो अपच्य भोज्य पदार्थ होता है वह इन्हीं खाद्य रिक्तिका के द्वारा शरीर की सतह के पास लाया जाता है और वहां से फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अमीबा में भोजन का पोषण होता है। तो अमीबा पादावों के द्वारा भोजन को अपने शरीर के अंदर डालता है और किसके द्वारा, पादावों के द्वारा घेर लेता है चारों ओर से और फिर वह भोजन उनके शरीर के अंदर चला जाता है और खाद्य रिक्तिका में उसका पाचन होता है और अपच्य भोज्य पदार्थ फिर खाद्य रिक्तिका द्वारा शरीर की सतह पर लाया जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह से बच्चों दूसरा जंतु है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा भी ये तालाब में पाया जाने वाला जंतु है। इसके पास केवल मुख ऊपर होता है और मुख के चारों ओर लंबी लंबी संरचनाएं जिसे हम स्पर्शक कहते हैं, वो स्पर्शक होते हैं और जो कोई भी भोज्य पदार्थ इनका समीप आता है तो स्पर्शकों के द्वारा उस भोजन को पकड़ लेंगे और लपेट करके उसको अपने मुख के अंदर डाल देते हैं। तो इसका भी चित्र आप देखें, ये नीचे बना हुआ है बच्चों। दिखाई दिया, ये हाइड्रा है। हाइड्रा नीचे की ओर है, ये लंबा सा है और ऊपर मुख है, मुख के चारों स्पर्शक हैं और वो कीट है। कीट को अपने स्पर्शक पे जैसे पकड़ करके मुख के अंदर डाल रहा है और मुख के अंदर से फिर वह शरीर के अंदर चला जाता है और फिर शरीर के अंदर उसका पाचन हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रा में भोजन का अंतर्ग्रहण उसके स्पर्शकों द्वारा होता है और स्पर्शक द्वारा भोजन उसके मुख में और मुख से फिर शरीर के अंदर चला जाता है जहां पर भोजन का पाचन होता है। तो इस तरह से बच्चों, यानी ऐसे जंतु जो एक कोशिकीय हैं या सरल संरचना वाले हैं उनके अंदर भोजन का पाचन होता है। हमने आपको अमीबा में पादावों द्वारा बताया भोजन का अंतर्ग्रहण और हाइड्रा में स्पर्शकों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, जो जंतु एक कोशिकीय है या हाइड्रा तो बहुकोशिकीय होता है लेकिन उसके पास भी कोई आहार नाल नहीं होती है, कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, तो जिनकी संरचना सरल है इनमें इस तरह से भोजन का अंतर्ग्रहण है और पाचन होता है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है और आगे के क्लास में अगले चैप्टर की बात होगी। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।